Hello friends welcome back to my channel fab foodies hope you all are doing good so today in today's video i'm going to share a malai kofta recipe i know there is one more recipe of malai kofta which is in red gravy you can see over here if you want to check this out and in today's video i'm going to share malai kofta with, with white gravy and it's also tastes really amazing you must try this recipe सो so, so, सबसे पहले मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हम उसके कोफ्ते बनाने के लिए मैं यहाँ पे पनीर ग्रेट कर रही हूँ आपके पास अगर मलाई पनीर है या फिर सॉफ्ट पनीर है होममेड पनीर है तो आप उसे यूज कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये स्टोर बॉट अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पे उसे ग्रेट किया है और इसे इस तरीके से आपके पाम के हिस्से से इसे मैश करना है ताकि ये थोड़ा सा स्टिकी डो कंसिस्टेंसी में आ जाए तो इसे तब तक आपको इस तरीके से मैश करना है जैसे ये थोड़ा सा स्टिकी होता है इसके अंदर हम आ, मावा ऐड करेंगे खोया ऐड करेंगे और फिर इन दोनों को साथ में सेम मेथड से आ, मैश करते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से डो कंसिस्टेंसी में आ जाए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह थोड़ा सा स्टिकी हो चुका है काफ़ी छः से आठ मिनट तक मैंने इसे नीट किया है इसके बाद हम यहाँ पे इसका जो डो है इसके ऊपर सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर द टेस्ट और उसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे अराउंड टू टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है आप अपने जैसे इसकी कंसिस्टेंसी उसके हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं हमें सिर्फ इसे स्टिकी एक डो जैसे कंसिस्टेंसी में लाना है जिससे कि आप इसके कोफ्ते खोल कर सकते हैं तो अब मैं इसे वापस से थोड़ी देर के लिए नीट करूँगी अभी ये अच्छे से डो जैसा बन चुका है तो मैं इसे एक डैम क्लोथ से कवर करके अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स के लिए साइड पे रख दूँगी तब तक हम यहाँ पे कोफ्ते के लिए फिलिंग रेडी करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वन टेबलस्पून घी लिया है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे काजू और बादाम को ऐसे कोर्सली ब्राइंड करके ऐड किया है इसका बिल्कुल पाउडर नहीं करना है और इसे घी में अच्छे से रोस्ट करना है जब तक कि ये अच्छे से हो जाते हैं रोस्ट जब तक ये अच्छे से रोस्ट हो जाते तब तक इसे रोस्ट करना है फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे वन टेबल स्पून सेफ्रॉन मिल्क थोड़ा सा कसूरी मेथी ग्रीन चिली पेस्ट ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ये हमारे कोफ्ते का फिलिंग है यहाँ पे, जिसको हमने ऐसे मिक्स करके रेडी कर दिया है अब इसके अंदर हम थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे और शुगर ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और फिर हमारा जो डो हमने बना के रेडी किया है उसमें से हम अराउंड वन टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि इसके जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से थोड़ा सा स्टिकी हो जाए और उसके उसी के साथ हमने ने यहाँ पे थोड़े से रेजिंगस ऐड किए हैं ड्राई किशमिश अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम ताकि ये ऐसे छोटे से बॉल्स के फॉर्म में आ जाए इसे हम इजीली फील कर सकते हैं तो ये हमारा फीलिंग भी बन के रेडी है तो अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे जो हमने डो नीट किया है उसमें से हम छोटे से बॉल्स बनाएंगे और फिर उसके अंदर फीलिंग ऐड करेंगे और उसे हम सील करेंगे पर हमें इसमें ध्यान रखना है कि उसके ऊपर बिल्कुल भी क्रैक नहीं आनी चाहिए अगर क्रैक होगी तो वो जब हम फ्राई करेंगे उसे तो वो खुल जाएंगे ऑयल में तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रख के इसके कोफ्ते फोल्ड करने हैं आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कोफ्ता बना के रेडी कर दिया है जैसे ही आपके सारे कोफ्ते बन के रेडी हो जाए तो अब हम इसे ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसके ऊपर इस तरीके से ऑयल छिड़क के इसको हर, सारी तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और इसे बहुत ही संभाल के फ्राई करना है कि ये खुल ना जाए तो इसी तरीके से हम अपने सारे कोफ्ता फ्राई कर लेंगे और अब हम बनाते हैं इसकी ग्रेवी तो ग्रेवी बनाने के लिए स्लाइटली डिफरेंट मेथड है क्योंकि हम वाइट ग्रेवी बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा वाटर लिया है पानी लेके हम उसे उबालने के लिए रखेंगे बॉईल होने के लिए इसके अंदर मैंने यहाँ पे अनियन डाला है नट्स और उसके साथ में हम चार मगज के बीज डालेंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से बॉयल आने तक पका लेंगे अभी आप देख सकते हैं कि इसका बॉयल आ, एक बॉयल आ चुका है अच्छे से उबलने लगा है पानी तो हम इसे गैस ऑफ करके ठंडा होने देंगे और जैसे ही ठंडा हो जाता है तो इसे हम पीस लेंगे इसे पीसने के लिए आप मिक्सी में इसे डाल के पीस सकते हैं और इसे अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाना है ज़रूरत के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे और इसमें से अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा घी डाला है और साथ में थोड़ा सा आ, मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है और फिर हम सारे खड़े मसाले जैसे जीरा बे लीव्स फिर बड़ी इलायची छोटी इलायची स्टार एनाइस लॉन्ग, काली मिर्च और आ, सिनेमन स्टिक सारे खड़े मसाले डाल के हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे जैसे ये सारे मसाले हमारे फ्राई हो जाते हैं इसके अंदर अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा है जो हमने स्मूथ पेस्ट बना के रेडी किया है अनियन और कैशू का उसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है तो थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे फिर हमने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड की है इसके अंदर वाइट ग्रेवी में कसूरी मेथी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही इनहेंस हो जाता है तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और फिर इसके अंदर हम डाल डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर इसको हम सीव कर लेंगे आप ऐसे स्ट्रेनर की हेल्प से इसे निकाल सकते हैं ताकि हमने जो खड़े मसाले डाले वो सारे ही निकल जाए और आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ ग्रेवी बन जाए और इसमें थोड़ा सा अगर थिक है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के इसे आप स्ट्रेन कर लीजिए ऐसे स्ट्रेन करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है कसूरी मेथी और क्रीम ऐड किया है फिर हम इसे मिक्स करके अच्छे से पका लेंगे और हमारी वाइट ग्रेवी बन के रेडी रह है यहाँ पे तो इसे अब हम सर्व कर देंगे मैंने यहाँ पे कोफ्ते रखे हैं उसके ऊपर हम वाइट ग्रेवी रखेंगे और इसे गर्मा गर्म नान या पराठे के साथ सर्व करेंगे ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी है काफ़ी बहुत ही रीच है तो आप ज़रूर से इसे ट्राई करना और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना Thank you so much for watching it. If you like it, then please do subscribe my channel and don't forget to like, share, and comment. Thank you so much for watching it. Bye.